पहली बोलूं तो T20 के लिए सुटेबल नहीं है, राइट। और यहाँ आज चौके छक्के लगे ही नहीं, दो तीन ही लगे, तो आज ताजुब हो गया, अरे भाई क्या अमेरिका में नहीं लगते हैं क्या। बॉलिंग के लिए भी तो चाहिए ना कुछ, T20 इज ऑलवेज फॉर द बैटिंग। मुझे लगता है कि बॉलिंग को भी इक्वल चांस होना चाहिए, बस 300 रन मारने इसके पीछे आप पिच बनाओगे तो गेम अच्छा नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए कि पिच आपको अच्छा लगा T20 के लिए, या आपको लगता है कि थोड़ा रन होना थोड़ा सा स्लो था, पर बाकी रोहित शर्मा को बैटिंग करके देख ऐसा लग रहा है कि इस बार वर्ल्ड कप आ ही जाएगा। अभी पाकिस्तान इंडिया का मैच भी इसी ग्राउंड में होने, आपको अब क्या उम्मीद कर रहे हैं कि पिच ऐसी हो, या आपको लगता है कि थोड़ी T20 टाइप की होनी चाहिए यहाँ पे? थोड़ी T20 टाइप की होनी चाहिए, पर अभी पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने तो अभी देख लेना आप। देखिए ऐसी पिच के ऊपर तो कोई भी किसी के छक्के नहीं छुड़ा सकेगा। अरे आप बॉलिंग में छक्के छुड़ाएगा, हमारा बुमराह छक्के छुड़ाएगा, सिराज छक्के छुड़ाएगा। आपको क्या लगता है पिच थोड़ी चेंज होनी चाहिए या ठीक लगी आपको? थोड़ी चेंज होनी चाहिए, इसलिए। आपको क्या पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला जाएगा और आपको क्या लगता है पिच ऐसे ही होनी चाहिए या थोड़ा सा फास्ट पिच हो? आई थिंक थोड़ा सा फास्ट पिच होना चाहिए, बिकॉज इट वॉज टू स्लो एंड वी कुडंट रियली, यू नो, द बॉल वॉज रनिंग टू स्लो एंड वी कुडंट गेट एनी फोर्स एंड सिक्स। बट लुक, वी आर ऑल हियर आउट हियर टू सपोर्ट इंडिया, नो मैटर हु इट प्लेज, वी आर ऑलवेज देयर फॉर इंडिया। आप ये क्या लेके आए हैं? ये डार्ट गेम है जिसे आप सिक्स मार सकते हैं, फोर मार सकते हैं, जैसे ये देखो ये फेंका मैंने और विकेट 6-4, तो ये गेम बनाया है मैंने बच्चे लोग के लिए। और ये मेरे डैडी है जो मतलब इंडिया से आया है ये बार, तो ये भी मैच देखना है। इन्होंने कभी स्टेडियम में मैच नहीं देखा है, तो इनका पहली बार था मैच। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे खेला जाएगा, तो आपको पिच पर्सपेक्टिव में कैसा लग रहा है? T20 को सूटेबल लग रही है पिच है ना? अगर फेयरली बोलूं तो T20 के लिए सूटेबल नहीं है, राइट। T20 मतलब क्या कि रन्स रहेंगे, उसके लिए पब्लिक देखने आता है, राइट। चौके छक्के देखने आता है पब्लिक, राइट। सो T20 इज दैट। ये पिच एक तो पिच अनइवन है बराबर, और जब क्लाउड रहता है तो सीम होता है, और आउटफील्ड एकदम स्लो है, तो ये ग्राउंड T20 के लिए नहीं है। अभी तो मतलब इतने सारे स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं, उन लोग चाहते हैं कि रन की बौछारे हो, जो नहीं हो रही है, राइट। तो इंडिया पाकिस्तान मैच, जो पहले बैटिंग करेगा वो हारने वाला है, जो दूसरी बैटिंग करेगा वो जीतने वाला है। आपको क्या लगता है सर? पहले बैटिंग करेगा वो जीतेगा, दूसरा बैटिंग करेगा वो हारेगा, सेम लग रहा है। सूट कर रहे हैं यहाँ की कंडीशन T20 क्रिकेट को? मेरे को तो लगता है, मैं तो पहली बार इधर आया हूँ अमेरिका में, तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसा ग्राउंड देख रहा हूँ। इंडिया में तो बहुत ग्राउंड देखा, मगर बहुत अच्छा है सर, चौके छक्के लगते हैं, और यहाँ आज चौके छक्के लगे ही नहीं, दो तीन ही लगे, तो आज ताजुब हो गया, अरे भाई क्या अमेरिका में नहीं लगते हैं क्या। नहीं ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी लगेंगे भाई, लगन लगाने वाला होना चाहिए। या इट्स रियली गुड, आई मीन वी कांट कंप्लेन, डिफरेंट पिचेस, डिफरेंट आउटफील्ड, डिफरेंट चैलेंजेस, एंड दैट्स व्हेन वी शुड परफॉर्म, एंड टीम शुड नॉट बी कंप्लेनिंग अबाउट दैट, बिकॉज़ if you're good enough to play in one pitch, you should also be good enough to play in another pitch, and so that will be an interesting game still. मुझे लगता है कि बॉलिंग को भी इक्वल चांस होना चाहिए, बस 300 रन मारने इसके पीछे आप पिच बनाओगे तो गेम अच्छा नहीं होगा। तो पाकिस्तान इज टोटल इनटू द गेम, क्योंकि उनके चार अच्छे बॉलर है, हमारी ओवरऑल टीम बहुत बैलेंस्ड है, तो अच्छा गेम होगा। इफ इट्स कम्प्लीटली बैटिंग पिच, आई थिंक इंडिया विल बी कम्प्लीट फेवरेट्स, पर इसमें 60-40 इंडिया में आप भी कहूंगा, सो इट विल बी अ गुड कॉम्पिटिटिव गेम। आपको क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया का मैच यहीं पे खेला जाएगा, आपको लगता है कि पिच ऐसा बिहेव की तो मजा आएगा, या पिच डिफरेंट होनी चाहिए थोड़ी? आई थिंक डिफरेंट होनी चाहिए थोड़ी, एंड इट विल बी सो मच फन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आपको क्या अच्छा नहीं लगा यहाँ पे ग्राउंड पर्सपेक्टिव में या पिच पर्सपेक्टिव में? आई डोंट नो रियली, बट आई थिंक पिच कुड हैव बीन मच बेटर कंपेयर टू अदर वंस, अदर स्टेडियम्स। बड़ा मैच है 9 जून को, अब क्या उम्मीद करें, जैसी पिच है ऐसी हुई तो मजा आएगा, या आपको लगता है पिच चेंज होनी चाहिए? पिच का तो आई डोंट थिंक कि चेंज हो सकते हैं यहाँ पे, बट मजा तो आएगा डेफिनेटली, बिकॉज दोनों साइड की अच्छी बॉलिंग है, तो इट्स गोना बी अ बॉलिंग अदर देन द बैटिंग साइड, सो इट्स गोना बी अ लो स्कोरिंग मैच। इन अदर वर्ड्स, बॉलिंग के लिए भी तो चाहिए ना कुछ, T20 इज ऑलवेज फॉर द बैटिंग, सो ठीक है, बॉलर के लिए भी चांस मिलेगा, एज लॉन्ग एज नो वन गेट्स इंजर्ड, दैट्स व्हाट वी वांट टू सी। देखिए नया पिच है, बट बोथ द टीम्स विल प्ले ऑन द सेम पिच, so yes, if not the batting, the bowling should win the match. is equal footing for both the team, but yes, IPL especially what we saw, the T20 pitches there were lot more batsman friendly, here we are seeing lot more slow scoring matches, but India Pakistan is a different game, so yeah. Both will put their best that day and we'll see. This is actually main nahi hu, mere grandfather hai, but meri grandmother, she is 79 years old, wo aayi thi, to wo unke liye, mere grandfather राहुल द्रविड़ और तेंदुलकर की लास्ट मैच देखने ऑस्ट्रेलिया गए थे पूरी टीम के साथ, श्रीलंका गए थे, एंड ही हैज बीन कमिंग टू यूएसए सिंस 2004, और उनका ड्रीम था कि यूएस में कभी तो ये ग्राउंड होना चाहिए, एंड
unfortunately passed away in COVID, but मैं उनको लेके आई थी, so at least his soul can see that. मैंने ड्रीम की मैं मर जाऊँ, तब उन्होंने इंडिया के एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं मर जाऊँ तो मुझे क्रिकेट वॉच करते हुए मरना है. तो when he died, he was watching cricket. ओके, नहीं ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के अंदर उनकी कोविड था तो हॉस्पिटल के अंदर, बट फोन में क्रिक बस देख रहे थे, एंड दैट्स हाउ ही पास्ड अवे. सो व्हेन वी बरीड हिम, उनके साथ उनका स्टंप था, उनकी टी शर्ट थी. सो व्हेन ही सेड व्हेन आई डाई क्रिकेट इज गॉन विद मी, या सो दैट्स हिम. दिस इज एक्चुअली नियर टू ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न ग्राउंड. Okay. Yeah. So this is outside Melbourne ka ground. Yeah.